मैं दो तीन चीजों के ऊपर रोशनी आपकी डालना चाहता हूं, क्योंकि आप सब मुझसे बुजुर्ग हैं, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। आप सबको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को मोयान में जिस वक्त वो आए और पूरे उस नॉर्थ ईस्ट इंफाल पे उनका कब्जा था और भारत की आजादी की घोषणा की, उन्होंने बैंक खोला, उन्होंने करेंसी जारी कर दी। 1943 से लेके ऐसा क्या हुआ कि 47 तक आते आते नेताजी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में देश में गायब हो गए, उनकी हत्या हुई या उनका प्लेन क्रैश हुआ, ये आज तक लोगों को नहीं पता। ऐसे ही एक शख्स थे वीर सावरकर, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही, हम भी सुन रहे हैं उनको, आज के बहुत सारे बौने लीडर कुछ कहते हैं, लेकिन उस आजादी के बाद से कुछ लोग आए बीच में ऐसे जिन्होंने शायद थोड़ा करेक्शन करने की कोशिश की अपनी गलतियों की। जो लोग दिल्ली में बैठे हुए क्रांति करते थे, जिनको हाउस अरेस्ट के अंदर 5-स्टार गेस्ट हाउस में बंद किया जाता था, अंग्रेज उनसे सुबह का नाश्ता भी पूछते थे और शाम का खाना भी पूछते थे और कौन कौन सा अखबार पढ़ेंगे वो भी पूछते थे, और उनके पास इस क्रांति में इतनी फुर्सत थी कि वो लेटर टू डॉटर सुबह भी लिखते थे और शाम में भी लिखते थे। और एक क्रांतिकारी वो पानी के जहाज से उसके टॉयलेट में जाकर के उसकी खिड़की से कूदता है और बाहर चला जाता है, और जिसके बारे में हमने भी थोड़ी सी गलती ये की कि बहुत सारी चीजें हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की या हमने ज्यादा यकीन कर लिया, और ये अलग बात है कि हम गुजरात के लोगों पे ज्यादा यकीन करते हैं, चाहे अभी हो या 47 में। तो जो कुछ उन्होंने बताया उसके आगे हमने जानने की कोशिश नहीं की। 1904 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको भी एक अंग्रेज ने बनाया था, एओ ह्यूम ने, उस अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस का 1904 में एक साहब प्रेसिडेंट हुए, उनका नाम था मिस्टर कॉलर। मिस्टर कॉलर ने वीर सावरकर के बारे में क्या लिखा है यह नहीं बताया गया, हमने पढ़ा भी नहीं, लिहाजा कुछ लोगों ने उनको कहा कि साहब ये तो गद्दार थे, इन्होंने तो माफी मांग ली, वो चिट्ठी नहीं मिल रही अभी तक। बहुत सारी चिट्ठियां मिल रही हैं लेकिन वो नहीं मिल रही। ये दो तीन रेफरेंस में इसलिए दे रहा हूं कि आजादी के बाद भी जिस इतिहास को हम 70 साल से पढ़ रहे हैं उसमें एकाध तो सच लिख देते भाई, और आपने इस दौर में 5 या 6 पीढ़ियों को इतना झूठ पिला दिया है कि आज राष्ट्रवादियों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि नया नैरेटिव कम पहले लाने से पहले पुराने को मिटाना पड़ रहा है। लेकिन यह आप सब लोगों की ताकत है देश भर में कि आप बहुत कुछ मिटाने में कामयाब हो गए हैं और अपना नैरेटिव खड़ा करने में भी आपको सफलता मिल रही है। 1980 में मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर स्मारक को एक चिट्ठी भेजी है, और उस चिट्ठी के साथ वीर सावरकर स्मारक को 11,000 रुपए का चेक अपने अकाउंट से भेजा है, और उस चिट्ठी में लिखा गया है कि वीर सावरकर जैसा महान इस मट्टी का सपूत कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि इंदिरा गांधी ने लिखा है तो मुझे नहीं पता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली है कुछ दिन पहले ही, और शपथ लेने के बाद उन्होंने पहला काम यह किया, उन्होंने कहा कि सावरकर वीर नहीं थे लिहाजा हम उनके नाम के आगे से वीर हटा देते हैं,
क्योंकि वीर तो वो हैं खुद, उनकी वीरता तो पूरा देश देख रहा है, 10 जनपद की चप्पलों में पड़े हुए हैं, कहते हैं ऐसे महान, उनकी अब डेफिनेशन ही अलग है वीर होने की, तो वो सावरकर को कैसे वीर मानेंगे भाई। लेकिन मैं बार बार जो बात आपसे चाहता हूं, आज की जो जनरेशन है उसको सच बताइए। और जब हम पूरी दुनिया का ये नैरेटिव सुनते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, और हमें यह सुनकर बड़ा फख्र भी होता है, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ कहने से नहीं होगी, आपको 21वीं सदी भारत की होगी इसके लिए 20 साल पहले इक्विप कर दिया गया था कि 70 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि आप में से कितने लोगों के विचार कभी किसी अखबार में लेटर टू एडिटर तक में आए हों, किसी टेलीविजन की डिबेट में आपकी बात रखी जाती हो, आप जिस सोच को समझते हैं उसके बारे में कोई चर्चा होती हो। लिहाजा जिन्होंने यह कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, उन्होंने 20 साल पहले आपको एक मोबाइल दिया था और कहा कि यह क्रांति सिर्फ आपके लिए है, और यह मोबाइल न होता तो राष्ट्रवादियों के विचार का आदान प्रदान इतनी दूर तक नहीं होता कि मैं बेलगावी आ जाता। अगर इसका कोई भी, मैं कहता हूं, राष्ट्र के लिए कोई सबसे बड़ा इस्तेमाल है, बाकी और चीजों के लिए है करिए, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अगर मैं समझता हूं आज के दौर में तो आपके लिए हुआ है। आप क्या सोचते हैं, आप उनसे जो आपको तुच्छ निगाह से देखते थे और समझते थे कि कुछ अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही इस देश का नैरेटिव बनाएंगे, वो जो सोचते हैं वही महान क्रांतिकारी विचार रखते हैं, बाकी लोगों को विचार रखने का अधिकार नहीं है, आज आपके विचार पूरे दुनिया में जा रहे हैं और लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं और दुनिया आपको जान रही है। इसीलिए पूरा यूरोप जो एक बीमारी से ग्रस्त है, जो 100 साल से किसी से लड़ा नहीं है इसलिए वो उससे भी लड़ नहीं पा रहा है, और हमारे देश के लोगों ने या अल्ट्रा सेकुलरिज्म ने या राजनीति पे पहुंचने वाले बौने लोगों ने उसके बारे में जो नैरेटिव क्रिएट किया उसमें हमने अपना धार्मिक भजन भी दांव पे लगा दिया। देश तो लगाया, हमने भजनों को भी सेकुलर बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सेकुलरिज्म नहीं मिला हमको। एक भजन है जिसके बारे में देश में कम चर्चा होती है, लेकिन अब क्योंकि हमारे पिताजी थे वो, अब उन्होंने गाया है तो उस भजन को गुनगुना रहे हम लोग। लेकिन पिताजी की मजबूरी समझ में आती है, वो किसका एजेंडा था, क्यों था, लेकिन अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो उसको बंद कर दें गाना, और जो असली भजन है वो कोई आज के लोगों ने नहीं लिखा, जो असली भजन लिख के गए थे, जो भजन पूरा है उसे गाना शुरू कर दें। एक भजन की लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति दे भगवान, ये उस भजन का हिस्सा ही नहीं है, ना ये लाइन उस भजन में है जिस पंडित जी ने वो लिखा था, वो सब अवेलेबल है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो छोटा सा खिलौना है जिससे बुजुर्ग से लेकर के 10 साल तक का बच्चा खेल रहा है, उससे अब झूठ नहीं बोला जा सकता, उसने असली भजन डाउनलोड कर दिया है। लिहाजा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, भारत भारत बना, उससे पहले भारत नहीं था। और वो तमाम किताबें जो लोग लिख के गए और आपको अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग ये कहते थे आई एम बाई एक्सीडेंट हिंदू, उनकी
संतानें जनेऊ डाल के हिंदू होना साबित कर रही हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरा कोई कमेंट किसी इंडिविजुअल पे नहीं है, ये आपकी ताकत है। क्योंकि 70 साल तक आपको यह बताया गया कि आप गंवार लोग हैं, सपेरों वाले लोग हैं, जादू टोने वाले लोग हैं, जातियों में बटे हुए हैं, आपको तो 700 साल तक गुलाम रखा गया है, और उसके बीच के और आगे पीछे का इतिहास ही नहीं कोई बताता, और जिनका इतिहास नहीं है वो आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपने अपने 5000 साल कम से कम, जो लिखित की बात है, लोग कहते हैं उससे भी आगे है, 5000 साल पुराने जिस दिन आपको बोध हुआ, जिस दिन आपका पुरुषार्थ जगा, जिस दिन आपको अपने पूर्वजों पर सम्मान होने लगा, तो आपने 2014 पैदा कर दिया। यह सिर्फ आपके उस लंबे 700 साल की गुलामी से निकलने का एक हल्का सा प्रयास है। इसमें किसकी जीत हुई किसकी जीत नहीं हुई, लेकिन इसमें जीत राष्ट्र की हुई। क्योंकि जो लोग आपको, आपसे वोट लेने आते थे, वही लोग मस्जिदों से फतवा लेने भी जाते थे। कुछ कुछ 2014 में लोगों ने फतवा लेने गए, लेकिन आपने बगैर फतवा जारी करे हुए, बिना किसी को बताए, इस छोटे से आले से एक फतवा जारी किया कि 2014 पैदा हो गया। और जब लोगों को यह लगा कि यह तो बाई चांस और बाई एक्सीडेंट हो सकता है, झूठ बोल के भी कोई आ सकता है, लोग कंफ्यूजन में ऐसा कर सकते हैं, मैं ये बात अपनी सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां लार्जली इलेक्शन एक ऐसा पर्व होता है जिसमें देश की राय जानी जाती है, जिसमें ज्यादातर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। तो जब लोगों ने आपको यह चढ़ाना शुरू किया कि ईवीएम हैक कर ली है, अमेरिका से हो रही है, भारत के अंदर लोगों को खरीदा जा रहा है, तो आपके गुस्से का नतीजा यह हुआ कि पहली बार आपने पॉलिटिकली करेक्ट होने का नहीं सोचा। आपने कहा जो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक कर ली है, तो आपने उनसे पूछा, भाई 1948 में जब इंटरिम सरकार बन रही थी, तो देश के 14 राज्यों से प्रधानमंत्री के लिए राय मांगी गई थी, तो एक साहब को 14 वोट मिले, एक साहब को 0 वोट मिला, तो ईवीएम तो आपने तभी हैक कर ली थी कि जिसको 14 मिले वो तो बेचारा प्राइम मिनिस्टर बना नहीं, जिसको 0 मिला बन गया। यह बात अलग था कि आपके हैकिंग का अंदाज अलग था, क्योंकि आपने ईवीएम के नाम के आगे बापू को खड़ा कर दिया था।